फतेह मक्का मदीना में शताब्दी के स्पीड से फैलती एक न्यूज आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है। और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? क्यों यहाँ किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में तो बताएंगे ही, और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है। पर इसे जानने से पहले, हमारे आप काफी लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और जो मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिवजी हैं, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर इन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यताएं दी जाती हैं। यहां पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है। लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में ये मान्यता है कि चार धाम की यात्रा कर लें तो इंसान के सारे पाप और सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसीलिए हर मुस्लिम की ये ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज वो पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की ज्यारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाती है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिवजी को कैद करके रखेगा? और वैसे भी अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिवजी को कैद किया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि वो चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया कि हाँ, उसने ऐसा कहा है तो वो जरूर ले आएगा। अरे कुछ अपना भी तो दिमाग लगाएं, भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद करके रख सकता है? अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहां पर शिवजी को कैद करके रखा गया, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस पर भी पुष्टि कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल अधा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का ये कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग हैं, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित की गई है।
तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी, तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी ये औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा, इसीलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? अब तो इनका बेटा होना भी बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं? अब ये शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर इनको ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है, और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाएं। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया, और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं, तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं, जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी बहका नहीं पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया में हो या फिर उनके मन में हो, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि जो तीन खंभे हैं वो शैतान का प्रतीक हैं, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे आपका घर है और कोई आपकी इज्जत ना करे तो क्या आप उसे अपने घर में आने की अनुमति देंगे? नहीं ना, आप ये चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे। और ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे अल्लाह को सच्चे दिल से माने, उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। हमें उम्मीद है कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर एक बात अच्छे से पता चल गई होगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।